को भी संभालना वो भी था, ज्यादा बड़ा कह रहा हूं एक बड़ा केसेस ज्यादा बड़ा इशू था, एक बड़ा केसेस तो अभी बड़ा रीजन था और वो केसेस चलेंगे भी आगे। वो केसेस कौन से खत्म हो गए हैं अब तो, मतलब सजाएं ऑन द कार्ड्स हो जाएंगी ना। अब तो नजर आ रहा है कि खान साहब की जो वापसी होगी तो वो खान साहब होंगे जो पहले। डेरा गाजी खान से आ गया गैर सरकारी गैर हतमी पहले हल्के का मुकम्मल नतीजा आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुद्दीन खोसा जो है वो जीत के हैं पीपी 288। डेरा गाजी खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुद्दीन खोसा जीत के हैं ये सीट। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है पीपी 288। ये हल्का है डेरा गाजी खान का जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुद्दीन खोसा कामयाब हो गए। तो गलत लगा रहे हैं बिल्कुल। और ये आपने देखा पहला नतीजा जो हमने आपको दिया पीपी 288 डेरा गाजी खान से गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है ये सीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुद्दीन खोसा जीत के हैं। सैफुद्दीन खोसा 2018 में तकरीबन 40,000 वोट लेके रनर अप के ऊपर थे तहरीक इंसाफ से और अब ये वाजे बर्तरी के साथ बाय इलेक्शन में आगे निकल गए हैं। लेकिन बहरहाल इधर एक स्मार्ट मूव की तहरीक इंसाफ ने कि अपना कैंडिडेट जो है उसको उसी को बरकरार रखा है, उसी को वापस चांस दिया बाय इलेक्शन में जाने का, क्योंकि तब भी एक बहुत क्या हुआ। एक मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, मालिक इमरान खान अब अगला लॉन्ग मार्च पंजाब का सीएम आने के बाद अनाउंस करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद या उससे पहले आप देख रहे हैं मरकजी लॉन्ग मार्च की जरूरत।